हेलो दोस्तों, वेलकम फ्री सर्किट लैब की न्यू वीडियो में आपको स्वागत है। दोस्तों आज हम लेमिनेटर मशीन के अंदर देखेंगे कैसे ये काम करती है, इसकी टेम्परेचर कंट्रोल, मोटर रिवर्स फॉरवर्ड ये सब कैसे होती है, और इस लेमिनेटर मशीन का जो सर्किट है उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसके अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट लगाया गया है, कौन कौन सी कंपोनेंट का काम क्या है और कैसे इसको रिपेयर करना है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल मिल जाती है, एक है टेम्परेचर कंट्रोल की, एक नॉब मिलती है और दो स्विच मिलती है। ये है ऑफ स्टेट, ये है हॉट मतलब हीटर और मोटर दोनों चलती रहेगी, और ये है कोल्ड मतलब मोटर चलेगी हीटर बंद रहेगी, ओके। और ये रिवर्स फॉरवर्ड है, ये मोटर का रिवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये हीट मतलब है हीटर ऑन है, और ये वर्क मतलब है हीटर हीट हो चुका है, आप काम कर सकते हो। दोस्तों ये मशीन कैसे काम करती है दिखाता हूँ। ये जो है सर्किट इसकी ब्रेन है, और ये जो है आपका कंट्रोलर सर्किट है, ये है एक हीटर, ओके। और ये जो रोलर है ये सब घूमती है, यहाँ पर एक सेंसर लगाया गया है, ये इस रोलर की हीट को सेंस करती है ताकि ज्यादा हीट ना हो, ओके। और ये इस सर्किट में फीड करती है, और इस सर्किट में इस हीट को मॉनिटर किया जाता है, और उसको आपने जो हीट सेट करके रखा पहले से उससे कंपेयर किया जाता है। अगर वो वहां पर रीच कर जाता है तो ये रिले बंद हो जाती है और ये इस हीटर को बंद कर देती है। और यहाँ पर एक मोटर लगाया गया है, ये मोटर इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करती है। दोस्तों आइए इसकी सर्किट के बारे में देख लेते हैं, सर्किट के अंदर क्या क्या है और कैसे इसकी टेम्परेचर कंट्रोल होती है और कैसे इसकी मोटर का फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ पर दो स्विच है, ये है बीच में ऑफ स्टेट और ये है कोल्ड स्टेट मतलब मोटर चलेगा हीटर नहीं चलेगा, और ये हॉट स्टेट में हीटर और मोटर दोनों चलेगा, और ये फॉरवर्ड रिवर्स मोटर का डायरेक्शन चेंजर, और ये एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है जहाँ पे आपको टेम्परेचर सेटिंग की ऑप्शन मिलती है, ओके। और यहाँ पर दो एलईडी लगाया गया है, एक है आपका पावर एलईडी और दूसरा है वर्क मतलब ये हीट जब कम्प्लीट हो जाता है तो उसका एलईडी, ओके। तो दोस्तों इस सर्किट में जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो पहले इसमें कनेक्शन आया एसी लाइन आया, ये एक फ्यूज में गया, फ्यूज से जाके ये दो कैपेसिटर में जाएगा। ये फ्यूज बेसिकली इस सर्किट को बचाने के लिए है। अब दोस्तों यहाँ पर दो कैपेसिटर लगाया गया है, ये दोनों में से एक है आपका इस मोटर के लिए और दूसरा है आपका ये एक पावर सप्लाई बना हुआ है इसमें, इस कैपेसिटर, इस ब्रिज रेक्टिफायर और इस कैपेसिटर को लेके। ये जो पावर सप्लाई है ये बेसिकली एक ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई है, तो इस तरफ आप हाथ देंगे तो शॉक लगेगा। और दोस्तों ये जो सप्लाई है ये 24 वोल्ट की है, इस कैपेसिटर में 24 वोल्ट सेव होता है, और वो इस रेजिस्टर और इस जेनर डायोड की मदद से एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बना हुआ है, और इसमें से ये 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और उस 12 वोल्ट से ये आईसी चलती है। ये आईसी है IC741 चिप, ओके। 741 एक ऑप एम्प चिप होता है, और दोस्तों ये ऑप एम्प चिप काम करती है एक कंपैरेटर के फॉर्म में, दो वोल्टेज को कंपेयर करती है ये। अगर ये दोनों वोल्टेज में से किसी एक वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो ये आउटपुट को ऑन कर देता है। तो वो दोनों वोल्टेज क्या है, बेसिकली एक है आपका इस पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज जहाँ पे आपने सेट किया टेम्परेचर को, और दूसरा वोल्टेज है आपका इस सेंसर का वोल्टेज, जो कि ये टेम्परेचर जितना बढ़ती है इसकी वोल्टेज उतना चेंज होती है। तो इन दोनों को ये कंपेयर करती है, मतलब आपने अगर इसमें 100 डिग्री में दिया, ओके, तो ये जब 100 डिग्री आ जाती है तो इस सेंसर की वोल्टेज इसके साथ मैच कर जाती है किसी तरह से, और ये आईसी उसकी आउटपुट को ऑफ कर देता है और ये रिले ऑफ हो जाती है। तो ये रिले ऑफ होने से क्या होता है, बेसिकली ये रिले इससे कनेक्शन को स्विच करेगा, इस कनेक्शन में आपका हीटर लगा हुआ रहता है, मतलब ये आईसी ऑफ मतलब ये हीटर भी ऑफ, ओके। तो इस आईसी की आउटपुट इस रजिस्टर से जाके एक ट्रांजिस्टर में जाता है Q1, ये ट्रांजिस्टर इस रिले को स्विच करती है, ओके, और ये 24 वोल्ट में चलती है, ओके। तो अगर आपका ये रिले ऑन ऑफ नहीं हो रहा है तो आप इस ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं, इस आईसी को चेक कर सकते हैं, ओके, और इस सेंसर वगैरह को चेक कर सकते हैं। ये जो पोटेंशियोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है ये एक प्रीसेट है, तो इसको घुमा के सेंसर के आउटपुट को एडजस्ट किया जाता है। मान लीजिए आपने 150 डिग्री में सेट किया लेकिन ये हीटर 200 डिग्री में ऑफ हो रहा है, तो आप इसको चेंज करके उसको 150 में ला सकते हो, जैसे स्टेबिलाइजर में होता है, जैसे वोल्टेज की जो हायर लिमिट को सेट किया जाता है, इस तरह के कनेक्शन इस पोटेंशियोमीटर से किया जाता है, ओके। अब यहाँ पे दो और कैपेसिटर दिख रहा है, ये जो कैपेसिटर है ये इस जेनर डायोड का जो वोल्टेज रेगुलेटर बना हुआ है, 12 वोल्ट आती है इसमें, उसके लिए ये कैपेसिटर है, ओके। तो यहाँ पे 24 वोल्ट, इसमें 12 वोल्ट, इस 12 वोल्ट से ये आईसी चलती है, इस 24 वोल्ट से ये रिले चलती है, ओके। और बाकी ये जो मोटर और ये जो हीटर का कनेक्शन है ये डायरेक्ट एसी से ही चलती है, ओके। अब दोस्तों इस तरफ आ जाता हूँ, स्विच को एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो दो स्विच लगा हुआ है
ये दोनों अलग अलग टाइप का है, इसमें तीन स्टेट रहती है। यह है ऑफ स्टेट, ऑन वन, ऑन टू, और ये नॉर्मल स्विच है। इसमें तीन कॉन्टैक्ट है पीछे के साइड में। ओके, इसको इस तरफ रखेंगे तो ये मिडिल वाले कॉन्टैक्ट इसके साथ जुड़ेगी, और इस तरफ कर देंगे तो ये इस तरफ जुड़ेगी। ओके, तो इससे आपका जो मोटर का डायरेक्शन कंट्रोल होती है, इस कैपेसिटर के अंदर से कुछ एक कनेक्शन रहती है, वो इस मोटर का चार वायर में से दोनों को स्विच करता है। बेसिकली इस वायलेट वायर को इस व्हाइट और इस ब्लैक में स्विच करता है ऑल्टरनेटिंगली। ओके, बाकी दोस्तों ये स्विच थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझते हैं। तो ये जो ऑफ पोजीशन है, जब ये बीच में है तो ये सारा कॉन्टैक्ट ऑफ है, मतलब किसी के साथ किसी में कनेक्शन नहीं है। ओके, और जब इसको कोल्ड में देंगे, मतलब इस तरफ देंगे, तो इस तरफ की दोनों आपस में जुड़ जाएगी और ऊपर की ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी। ओके, तो ये तो खुला हुआ है, इसमें कुछ कनेक्शन नहीं है। और जब हॉट में देंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगी और ये दोनों जुड़ जाएगी। ओके, तो कैसे काम होता है देखिए, जब ऑफ है तब सारा कनेक्शन ऑफ है, तो ये जो रेड और ब्लैक आ रहा है ये दोनों भी ऑफ है, तो ये बेसिकली आपका मोटर और हीटर दोनों को ऑफ कर देता है। ओके, मतलब ये पूरा सर्किट ऑफ हो जाता है जब ये ऑफ पोजीशन में है। और जब इसको आप हॉट में देंगे तो मोटर और हीटर दोनों चालू होना चाहिए, तो इसलिए क्या किया हुआ रहता है देखिए, इसको हॉट में देंगे तो ये दोनों कनेक्ट होगी और नीचे की दोनों कनेक्ट होगी। ओके, तो ये दोनों कनेक्ट होने का मतलब रेड ब्लैक कनेक्ट हो गया, मतलब ये सर्किट ऑन हो गया। ओके, बाकी दोस्तों आपका ये नीचे की जो ये दोनों कॉन्टैक्ट भी कनेक्ट हो गया, तो ये कनेक्ट होने से ये जो पोटेंशियोमीटर ये एक्टिव हो जाती है। ओके, तो इससे आपका जो वोल्टेज है ये इस आईसी में मिलती है, और ये आईसी देखता है कि ये टेम्परेचर जो आपने सेट करके रखा है वो टेम्परेचर आया कि नहीं, इस सेंसर से पता करती है। और अगर वो टेम्परेचर आ गया तो इस आईसी का आउटपुट ऑन हो जाती है, और वो इस ट्रांजिस्टर की मदद से इस रिले को ऑन कर देती है, और ये रिले आपका हीटर को ऑन करती है। ओके, उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको कोल्ड में देंगे तो देखिए, आपका ये दोनों कॉन्टैक्ट तो खुल गया, मतलब आपका पोटेंशियोमीटर डिसेबल हो गया, मतलब आपका जो ये आईसी ये भी ऑफ हो जाएगा, और ये आपका रिले को ऑफ कर देगा, मतलब ये आपका हीटर चालू नहीं रहेगा जब आप कोल्ड पोजीशन में देंगे इसको। ओके, लेकिन आपका मोटर चालू रहेगा, क्योंकि ये जो रेड ब्लैक ये दोनों इसके साथ तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये इसके साथ कनेक्टेड है, और ये बाद में आके इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब ये रेड ब्लैक आपस में जुड़ रहा है जब ये इस तरफ भी है, तो इसलिए आपका मोटर चालू रहेगा, ये सर्किट चालू रहेगा, लेकिन ये आईसी ऑफ होने की वजह से ये रिले ऑफ रहेगा और ये हीटर में करंट प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, तो दोस्तों ऐसे ये काम करती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना। तो दोस्तों इस चैनल की वीडियोज को आप देखिए, अगर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।